गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. इन प्रीवियस क्लास वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 1 to 7 ऑफ एक्सरसाइज 2.2. टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 2.2. रीड द क्वेश्चन फ्रॉम अ बुक. इफ ए इज इक्वल टू 12, बी इज इक्वल टू 8 एंड सी इज इक्वल टू 5, शो दैट किसमें इसकी वैल्यू रखनी है, ये बता रहा है. ए माइनस बी माइनस सी इक्वल नहीं है, ए माइनस बी माइनस सी इसमें रखना है. तो आप जहाँ जहाँ ए है ए की जगह पे 12 रख दो, इसमें जहाँ बी है वहाँ 8 रख दो और जहाँ सी है वहाँ 5 रख दो. तो ये हो गया 12 माइनस 8 माइनस 5 इक्वल नहीं है. और इधर कर दो ए में 12 माइनस 8 और माइनस 5 हो गया. अब देखिए 12 माइनस खोल दें इसको, यहाँ 8 में से 5 गए तो कितने बचे 3, खोल दें 3 और इक्वल नहीं. 12 में से 8 4 माइनस 5, 12 में से 3 माइनस हुए तो कितने बचे 9 और इधर बच रहे हैं माइनस का 1. तो दोनों तरफ आंसर इक्वल नहीं आ रहा है, बस हमें यही शो करना था. क्वेश्चन नंबर 9 इफ ए इज इक्वल टू 256, बी इज इक्वल टू 362 एंड सी इज इक्वल टू 182, शो दैट ए माइनस ब्रैकेट में बी माइनस सी इक्वल नहीं है ब्रैकेट में ए माइनस बी माइनस सी के. यहाँ पे भी उसी तरीके से जो आपको ये दिया गया है इसके अंदर वैल्यू रख दो, ए की जगह पे 256, बी की जगह पे 362 और सी की जगह पे 182. देखो पहला 256 माइनस बी की जगह पे 362 माइनस सी की जगह पे 182 इक्वल नहीं है. ये साइड ऐसे होता है इक्वल को काटने का मतलब है कि दोनों तरफ इक्वल नहीं है. ए इज इक्वल टू 256 माइनस बी इज इक्वल टू 362 और माइनस 182. अब देखो 256 माइनस इसमें से ये माइनस कर दो, 12 में 2 में से 2 0, 16 में से 8 2 में से 180. यहाँ माइनस करें 362 में से, ये माइनस का है ये प्लस का है तो माइनस के नंबर में से करें. 12 में से 6 गया 6 और यहाँ बच्चा 5 में से 5 गया 0 और 3 में से 2 गया 1, लेकिन ये किसका हो गया माइनस का और माइनस 182. यहाँ 256 प्लस का है और ये है माइनस का, क्लियर. तो कर दो 6 में से 0 गए 6, 15 में से 8 गए 7 और 1 में से 1 0 यानी 76 और इधर इक्वल नहीं है. 6 में से 2 गए 4, यहाँ बचा नहीं जा रहा यार 106 में से नहीं, ये आपका बड़ा नंबर 182 है तो 182 ये भी माइनस का और ये भी माइनस का तो दोनों को एक जगह कर देते हैं. ये हो गया 6 और 2 8, 8 की 8 और 101 2, यानी जोड़ देते हैं ऐड कर देते हैं लेकिन साइन वही रहेगा क्योंकि दोनों एक ही साइन के हैं, दोनों माइनस के हैं. तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 9. नाउ क्वेश्चन नंबर 10, वेरीफाई दैट b plus c is equal to a if a minus b is equal to c 4. First है a is equal to 5 and b is equal to 3. ये बोल रहा है कि वेरीफाई करना है कि b plus c a के बराबर है, ठीक है. c इसने दे नहीं रखा है, अगर
ए माइनस बी इज इक्वल टू सी हो तो अपन क्या कर रहे हैं, अब इसी में रख सकते हैं ए माइनस बी इज इक्वल टू सी में, यानी देखो ए माइनस सी, ए की जगह हो गया 5 माइनस बी की जगह हो गया 3, तो 5 में से 3 गया तो कितना बचा 2, ये हमारी वैल्यू आ गई सी की आ गई। अब इसमें जब हमने रख लिया तो इसको वेरीफाई करें, इसमें रखें ये हमारी वैल्यू किसकी आ गई है सी की, यानी हमारा आंसर हो गया सी इज इक्वल टू 2। तो अब देखो इसमें रखें बी प्लस सी इज इक्वल टू ए में, तो बी कितना है हमारा 3 प्लस सी कितना हो गया 2 इज इक्वल टू ए कितना है 5, वेरीफाई हो गया बिल्कुल आ रहा है बराबर इक्वल, तो ये हो गया हमारा वेरिफिकेशन इसका। बी है इसका क्वेश्चन सेकंड, ए इज इक्वल टू 23 और बी इज इक्वल टू 9, तो पहले हम इसको सी की वैल्यू निकालेंगे, इसमें रख देते हैं ए माइनस बी इज इक्वल टू सी, तो यानी 23 माइनस 9 इज इक्वल टू 23 में से 9 माइनस करो तो कितना बचेगा 14, ये हो गया, ये हमारी 14 किसकी वैल्यू आ गई है सी इज इक्वल टू 14। अब इसे वेरीफाई कर देते हैं किसके अंदर, बी प्लस सी इज इक्वल टू ए, तो बी हमारा कितना है 9 प्लस सी कितना है 14, तो सर और ए इज इक्वल टू कितना है 23, तो देख लो 14 और 9 कितना हो गया 23 हो गया है। सो वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 8, 9 and 10 एंड वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 8, 9 and 10 एंड नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास। ओके थैंक यू।